उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट पहुंचे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं की घोषणा की, साथ ही चित्रकूट के सुंदरीकरण और पुनरोद्धार के लिए भी उन्होंने कई ऐलान किए। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म के पौराणिक तीर्थ में आने का सौभाग्य मिला। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने यहाँ साधना की है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने आगे कहा कि चित्रकूट धाम को पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मंदाकिनी की स्वच्छता और सुंदरीकरण के लिए पैसा उपलब्ध करा दिया। चित्रकूट में बड़े विमान उतारने के लिए एयरपोर्ट को थोड़ा और लंबा बना रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस को वो लिंक रोड से जोड़ने के लिए 1300 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यमुना नदी से तुलसीदास जी की जन्मस्थली की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसका राजकीयकरण किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था की जा सके और उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधा यहाँ प्राप्त हो सके।